नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई, करनाल शहर के अंदर पहली बारिश में ही जो है देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी जो है वो सड़कों पर उतर आया है। आपको बता दें कि ये सेक्टर 14 का इलाका है और ये मेन रोड है जहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियां तैरती हुई आपको दिखाई दे रही है। जी हाँ, यही कहेंगे कि गाड़ियां जो है तैरती हुई जाती नजर आ रही है। पानी जो है इतना ज्यादा भर गया है, यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर सीवरेज सफाई वाले भी पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं अगर समय रहते सीवरेज की सफाई हो जाती तो आज इस तरह की मुश्किलें जो है आमजन को ना आती। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर पानी भर गया है। आने जाने वालों को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो टू व्हीलर वाहन है उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी ही मुश्किल हो रही है ले जाने में। आपको बता दें कि कुछ लोग तो वहां से वापस ही मुड़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं आगे जो है पानी बहुत ज्यादा है, कहीं हमारी बाइक ना रुक जाए। वो देख सकते हैं कि जो है वहां पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट है वो वहीं पर रुक गए हैं। आपको बता दें कि ये साथ में ही कॉलेज है, पंडित चिरंजी लाल ये कॉलेज है और कॉलेज में बच्चे भी इस तरफ से आते हैं। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ है और पानी के ऊपर जो है चलती हुई गाड़ियां आपको नजर आ रही है। सुबह सुबह का समय है, हर किसी को ऑफिस जल्दी पहुंचना है और कहीं ना कहीं ये पानी जो है अड़चने पैदा कर रहा है क्योंकि सीवरेज की सफाई समय रहते नहीं हुई है। अब जो है नगर निगम की तरफ से भी कुछ कर्मचारी जरूर आ रहे हैं इस पानी को निकालने के लिए, लेकिन अब क्या फायदा क्योंकि जिस समय ये काम होना था उसमें ये काम नहीं हुआ है। और ये देख सकते हैं कि आने जाने वालों को कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये पानी यहीं पे रहा तो बीमारी भी फैल सकती है। और आपको बता दें कि करनाल शहर का एक ये इलाका नहीं है, एक ये गली नहीं है, एक ये सड़क नहीं है, ऐसे बहुत से इलाके हैं करनाल शहर के अंदर जहाँ पर इस तरह का पानी भर जाता है। कहीं ना कहीं समय रहते जो है इसकी सफाई नहीं हुई है जिसके चलते आमजन को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं गाड़ियां आ रही है जा रही है और किस तरह से आप देख सकते हैं कि बाइक वाले अपनी बाइक किस तरह से चला रहे हैं। आमजन को बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। और आपको बता दें कि ये सीएम सिटी है, अगर सीएम सिटी के ये हालात है तो और सिटी के क्या हालात होंगे वो आप सोच समझ सकते हैं। ये देखिए किस तरह से हम भी जहाँ खड़े हैं यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पानी है। ये देख सकते हैं पानी के अंदर ही खड़े होकर हमें भी कवरेज करनी पड़ रही है। ये देखिए आमजन की मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है। अभी तो पहली बरसात थी, वो देखिए किस तरह से बीच में ही रुक जाती है एक्टिवा। ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से दिखाई जा रही है जहाँ पर आने जाने वालों को बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है। ये देखिए यहाँ से एक आंटी गुजर रही है, कितनी मुश्किल हो रही है। कहाँ से आए हो? अच्छा, आने में मुश्किल हो रही है यहाँ पे? हाँ जी, हो रही है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? यहाँ जा रहे हो बाग में। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पर पानी भर चुका है और आने जाने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी जो है भर जाता है। और आपको बता दें कि ये कोई कॉलोनी नहीं है, ये सेक्टर 14 का मेन रोड है जहाँ पर जो है पानी भर जाता है। अगर ये पानी ऐसे यहाँ पर भरा रहा तो कहीं ना कहीं मच्छर पैदा होंगे और फिर बीमारियां फैलने लगेगी। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।